नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। भारत चीन के बीच जारी तनाव की स्थिति में हॉटलाइन पर हुई बातचीत। रोजमर्रा के अखबार में आजकल ऐसी ही हेडलाइन पढ़ने को मिलती हैं। अक्सर तनाव की स्थिति में हॉटलाइन पर दोनों देशों के बीच बात होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि शांतिपूर्ण माहौल में हॉटलाइन बंद हो जाते हैं। हॉटलाइन क्या है? दरअसल हॉटलाइन दो देशों के सैनिकों के बीच एक 1-to-1 कम्युनिकेशन का जरिया है। आम भाषा में इसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तरीके के तौर पर देखा जाता है। दो देशों की सीमा पर सैनिकों के बीच जो टुकड़ी तैनात रहती है, उनके बीच बातचीत का ये एक जरिया होता है। भारत में इस तरह की हॉटलाइन की पूरी व्यवस्था डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस यानी DGMO देखते हैं। इसके जरिए संदेश भेजने के अपने तय तरीके होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया भारत के DGMO रह चुके हैं। उन्होंने विस्तार से इन हॉटलाइंस के काम करने का तरीका बताया। वो कहते हैं कि वर्तमान में भारत चीन LAC सीमा पर 5 जगह ऐसी हैं जहां हॉटलाइन काम करते हैं। ये हॉटलाइन पूर्वी लद्दाख सीमा के पास दौलत बेग ओल्डी और स्पांगूर में है, सिक्किम सीमा पर नाथुला के पास हैं, और अरुणाचल में बुमला दर्रा और तिबूट के पास। हॉटलाइंस का इस्तेमाल। हॉटलाइन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक ऐसी फ़ोन लाइन है जिससे दो देशों के सैनिक सीमा पर एक दूसरे के साथ संपर्क में रह सकते हैं। इसके लिए बकायदा अफसरों की ड्यूटी लगती है। जैसे ही हॉटलाइन का फ़ोन बजता है, सीमा पर तैनात सैनिकों को पता चल जाता है कि फ़ोन सीमा के पार देश से आया है। दूसरी तरफ मैसेज रिसीव करने वाले तक संदेश भेज दिया जाता है, और जब दूसरे पक्ष को उस संदेश का जवाब देना होता है तो वो भी अपनी तरफ के हॉटलाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। भारत में हॉटलाइन पर संदेश भेजने और रिसीव करने के लिए LAC पर तैनात सेना की टुकड़ी के कमांडर को ही अधिकृत किया गया है। हॉटलाइन पर किस तरह के संदेश भेजे जा सकते हैं, इसका एक उदाहरण हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर देखा गया। हॉटलाइन की चर्चा उसी वक्त मीडिया में शुरू हुई। बीते रविवार अरुणाचल प्रदेश सीमा से एक खबर आई कि भारत के बॉर्डर से चीन की सेना द्वारा 5 भारतीयों का कथित अपहरण कर लिया। एक पत्रकार ने यह सवाल ट्विटर पर केंद्र सरकार से पूछा, जिस पर केंद्र खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब में लिखा कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को हॉटलाइन पर मैसेज भेजा है और उनके जवाब का इंतजार है। वो 5 भारतीय बाद में चीनी सेना ने खोज निकाले और भारत को सौंप दिए। कई बार सीमा पर पालतू जानवरों के लापता होने पर भी ऐसा होता है। ऐसे मामलों में हॉटलाइन की खास भूमिका होती है। चूंकि दोनों देशों की सीमा ऐसी नहीं कि बहुत ऊंची दीवारों से बाउंड्री खींची गई हो, अक्सर जानवर और कभी कभी लोग भूल से सीमा पार कर जाते हैं। ऐसी किसी घटना की सूचना पर सीमा की दूसरी तरफ हॉटलाइन पर बात कर मामले को सुलझाया जा सकता है। बता दें, भारत चीन के बीच सीमा विवाद अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। चीन ने LAC पर 50,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती कर दी है। लड़ाकू विमान और मिसाइलों को भी तैनात कर दिया गया है। हालांकि भारत सरकार के अधिकारियों का आकलन है कि स्थिति अब भी गंभीर स्थिति पर नहीं पहुंची है, मगर सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच दोनों देशों का तनाव कम करने के लिए आज रूस की राजधानी मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। जून में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की ये पहली बैठक होगी। पिछले 4 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ जब LAC पर गोली चलने की नौबत आई। इस लिहाज से न सिर्फ भारत और चीन में इस बातचीत के नतीजे का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, बल्कि रूस और दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों की नज़रें भी इस बातचीत पर टिकी हैं।